रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए कुलदीप गुप्ता। शिवपुरी में संचालित लुधावली गौशाला में एक ही रात में 14 गायों की मौत हो गई। गायों के मरने की खबर से न केवल गौ सेवक बल्कि शहरवासी भी दुखी और आक्रोशित हैं। बताया जा रहा है कि ये गौशाला पहले एक सामाजिक संगठन संचालित कर रही थी, लेकिन कुछ महीने पहले नगरपालिका ने खुद इसकी व्यवस्था संभाली थी। दूसरी तरफ विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भी इस पर रोष जताया है। गायों के मरने का ये मामला पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार यहाँ गायों की मौत हो चुकी है। वहीं इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीमार गायों को बाहर से लाकर इलाज करवाया जाता है, जिसमें कुछ गाय मर जाती हैं जबकि कुछ स्वस्थ हो जाती हैं। इनकी मौत की वजह पॉलिथीन खाना है। गौशाला पर लगातार भूखमर प्यास से गौ माताओं की मौत हो रही है। आज भी 22 गौ माताएं भूखमर प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे चुकी है। मैंने पूर्व में पत्र लिख करके निवेदन किया था कि इन गौशालाओं में या शहर में निराश्रित गौ माताओं को धर्मपुरा कॉलरस विधानसभा में संचालित गौशाला में स्थानांतरित कर दें, लेकिन मुझे समझ से परे है कि प्रशासन किस के भय में यह निर्णय नहीं ले पा रहा है। वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बढ़िया हैं। व्यवस्था का मतलब ये होता है कि पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना, पर्याप्त मात्रा में चारा मिलना और समय समय पर डॉक्टरों का आना, गायों का परीक्षण करना। लेकिन ये वो गाय थी जो हम शहर से ले जाते हैं, बीमार गाय, और बहुत सारी गाय हमारी पॉलीथिन खा के जाती हैं। और जो पॉलीथिन खाई हुई गाय होती हैं और बीमार गाय होती हैं, उनको बचाना डॉक्टरों को बड़ा मुश्किल पड़ता है। ये वही गाय थी जिन्होंने पॉलीथिन खाई हुई थी और पहले से बीमार थी, और बीमार अवस्था में इनको हम गौशाला लेके गए थे। इनका कई दिनों से डॉक्टर इलाज कर रहे थे, इलाज के दौरान डॉक्टर इनको नहीं बचा पाए और इनकी मृत्यु हो गई। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए गुड्डू की रात। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विदिशा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इंडियन गठबंधन का कोई चरित्र, नीति और सिद्धांत नहीं है। ये केवल सनातन धर्म पर ही सवाल खड़े कर सकते हैं। सनातन ही इसको सॉफ्ट टारगेट नजर आता है, क्योंकि किसी और के खिलाफ बोलने से सिर धड़ से अलग हो जाएगा, इसका खौफ इनमें होता है। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश और भाजपा के सामने कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है, भाजपा यहां 2/3 बहुमत से जीत रही है। उन्होंने आगे कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी का नेता रथ पर एक दिन नहीं रह सकता, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनेक यात्राएं कर रहे हैं और हजारों लोगों से एक एक दिन में मिल रहे हैं। ऐसा नेता जनता से सीधे मिलते हैं। देखो, INDIA के बारे में आप इतना समझ लो कि उनका कोई भी चरित्र है नहीं, कोई भी नीति नहीं है, कोई भी सिद्धांत नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं है, और इसलिए आज तक उन्होंने अपना क्या उद्देश्य है इसका ये सामने नहीं रखा जनता के। जो उद्देश्य है वो सामने आ रहा है, जैसे उन्होंने सनातन पे सवाल उठाया। क्यों? ये जितने भी लोग हैं INDIA वाले, ये घमंडिया गठबंधन वाले, ये हमेशा सनातन पर ही सवाल क्यों उठाते हैं? हिंदू और हिंदुत्व पर ही सवाल क्यों उठाते हैं? ये किसी दूसरे धर्म पर उठाएंगे तो सर्तन से जुदा हो जाएगा, उठाते ही नहीं है। ये इन्होंने सॉफ्ट टारगेट मान लिया है, सॉफ्ट टारगेट, और वही कारण था कि उसने सनातन पर उठाया। राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठा दिया था। वो एक जाकिर नाइक को शांति दूत बोल देते हैं, एक उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने बोको हराम से तुलना कर दी थी। ये सारे के सारे लोग जान पूछ कर सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह का करते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए कुलदीप गुप्ता के शिवपुरी से। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य शिवपुरी पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने MP की भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ कहा कि देश में पिछले 10 सालों में 400 गुना तक नशा बढ़ गया है, देश को नशे की भट्टी में झोंका जा रहा है। इसके लिए उन्होंने संघ और भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। अनुमा आचार्य ने कहा कि 18 सालों से घोषणा वीर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश सहित शिवपुरी जिले में अनेक घोषणाएं की हैं, जिनमें आज तक कोई भी घोषणा पूरी नहीं की जा सकी। शिवपुरी नशे का हब बन चुका है, प्रशासन और पुलिस कमाई का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर नशा बढ़ा है, पर नशा पूरे भारत में पिछले 10 सालों में 400 गुना बढ़ा है। जहाँ जहाँ किसी को गड़बड़ फैलानी होती है वहाँ ऐसा होता है। राजस्थान में जिस कन्हैया लाल के हत्या पर हम सब मिल मिला गए थे, उसका रिजवान भारत
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था, भूलिएगा मत, तो अभिनव भारत को भूलिएगा मत। जहां जहां भी इस तरह से आतंक फैलाने की बात होती है, आपको पता है किसका हाल है, मैं नाम नहीं ले रही, बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी के लोग ऐसा करते हैं और आरएस संघ के लोग ऐसा करते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए नीरज कुमार। केंद्र प्रदेश सरकार लाख दावे करे ईमानदारी के, लेकिन भ्रष्टाचार है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उनके अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार को जाम कर पाल पोस रहे हैं। कुछ दिन पहले आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। इससे पहले करकेली जनपद से भी CEO रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए थे। ताजा मामला रिश्वत मांगने का मानपुर का है, जहां एक व्यक्ति द्वारा बेटी की शादी के पैसे निकालने के लिए कर्मचारियों ने उससे 5,000 से 10,000 की मांग की। पीड़ित ने इसकी शिकायत लिखित तौर पर कलेक्ट्रेट से की। मैं अपने बच्ची की शादी की है, शादी करने के बाद पूरा कागज पाता सब जमा किया मानपुर में जमा करने के बाद 2-3 बार मेरे को CEO साहब बुलाए गया वहाँ। क्या नाम है CEO साहब का? CEO साहब का कब बुलाए थे? ये 1.5 साल हो गए वहाँ आते जाते, 4-5 बार मानपुर आएगा। तो बस पहले तो वो बोलते रहे कि ठीक है, हो गया। फिर एक यादव करके है, उसको बोले, वो यादव मेरे से बोला कि एक बार तो बोला 5,000 आप दे दो, आपका काम हो जाएगा। दतिया में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। परियोजना प्रबंधक डॉक्टर सोहन कृष्ण मुरुद्दल ने बताया कि 4,120 स्व सहायता समूह के माध्यम से 51,000 गरीब, अति गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया है। शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत 32 करोड़ रुपए आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दिए गए हैं। लाडली बहना योजना के तहत जो महिलाएं स्व सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इन सभी महिलाओं की सालाना आय 1.5 लाख से ज्यादा हो, ऐसी शासन की कोशिश है। दतिया में 4,120 समूह के माध्यम से 51,000 स्व सहायता समूह से गरीब, अति गरीब परिवार की दीदियाँ जुड़ी हुई हैं। दतिया में अब तक राज्य शासन के माध्यम से 32 करोड़ रुपए अभी तक इनको RF, CIF, VRF के रूप में प्राप्त हुए हैं। साथ ही इनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बैंकों के माध्यम से CCL, कैश क्रेडिट लिंकेज से भी इनको लाभ दिया जाता है। दतिया में अब तक 3500 स्व सहायता समूह की दीदियों को लगभग 80 करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से इनको प्रदाय किए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एन न्यूज़ टुडे के साथ।